मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। एक तरफ पार्टी 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने में भी व्यस्त है। बताया जाता है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनावी सर्वेक्षण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो इस समय पार्टी के कब्जे में है। ऐसी 127 सीटें हैं, इन सीटों पर पार्टी खास सर्वे करा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी गुजरात का फॉर्मूला अपना सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 60 विधायकों का टिकट काट सकती है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा जब किसी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हों। सूबे में इतनी बड़ी संख्या में कभी भी मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे गए हैं। बताया जाता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 40% से अधिक अपेक्षाकृत युवा और नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में हारी हुई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची भाजपा जल्द ही जारी कर सकती है। ऐसी 61 सीटें बची हुई हैं, दूसरी सूची में आधे से ज्यादा नाम होंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2019 का पिछला प्रदर्शन दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने 2024 में सूबे की सभी 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी करीब 12 मौजूदा सांसदों की टिकट काट सकती है। बीजेपी की रणनीति नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारने की है। बढ़ती उम्र के कारण भी एक सांसद का टिकट काटने की संभावना है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला ही अपनाएगी।